पीने को हम वसीले वाले लोग पीने को तो पी लूंगा पर अरसे बेदम मेरी किस्मत में चक्कर उसी सर के बेदम मेरी किस्मत में पढ़ते हैं लेकिन मुजफ्फर वारसी बता दे कि अदब क्या है और अकीदा क्या है। दुरूद पढ़े नमाज पढ़े
सब पीछी है इश्क वालियों में बैठ जा, सफे तो सब पीछी है इश्क वालियों में बैठ जा, सफे तो सब पीछी है इश्क वालियों में बैठ जा। हर एक सांस पर जो तो देखने की है तलब, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा, तो आंख बन के उनके दर की जालियों में बैठ जा। रसाई कैसे है पहुंच को मुजफ्फर आप तक रसाई इतनी सगल तो नहीं, तो क्या करे तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए तुम यरबमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए तो यरबमालियों में बैठ जा। इस सब्ज कुफा में पहलों में जलवा गा अतीको उमर की है। शाह साहब मेरे इमाम ने कहा मौलाए कायनात का भी यही कहना है, महबूब रब्बे अर्श ने इस सब्ज कुफा में पहलों में जलवा गा अतीको उमर की है। नाम आते नहीं, ये मौला अली का फैसला है। ये जो राफी कहते हैं वो
अल्लाह की मौला अली ने कहा, मैंने आलिमों से सुना, बारहा सुना, मौला अली का नंबर चौथा वो अलग बात कि वो दामाद नबी, उनका मर्तबा अपनी जगह, लेकिन सिद्दीक दा पहला नंबर, उमर दा दूजा नंबर, उस्मान दा तीसरा नंबर, चौथा अली दा है, इसीलिए नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, नाम आते ही अबू बकर मरता, रब पे तू भी करता है, वो पहले लोग में सुलाए, अल्लाह انجمن آرائی ہو آج جو ہے کسی پہ نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کو سن بھی رہے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلے یہ شعر سنیں میں شر اگر میں شر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سناخا ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے وقت اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی اس
पर अना लहा होगा मेरे आमान का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया क्यों ना पलड़ा पलड़ा क्यों ना पलड़ा तो सरकार भी साल पे आए घूम सरकार भी साल पे आए घूम मेरे सरकार भी साल पे محفل میں آیا تو مجھے شکیب بابا نے کہا آج آپ محفل میں مولا علی کی مرکبہ سنا دیجیے گا۔ تو دیکھو ہمارا ایک تو کنیکشن فزیکل ہے جو آمنے سامنے بیٹھا ہے، ایک روحانی کنیکشن بھی اندر سے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے پورا کلام مولا علی کا لکھا، مجھے نہیں پتا تھا جا کے کہیں گے مجھے، اللہ کہہ رہا۔ دیکھیے میں نے اپنے ہاتھوں سے، گاڑی چلتی رہی اور میں لکھتا رہا، تو میرا دل تھا آج مولا علی کی مرکبہ پڑھوں، ان شاء اللہ ضرور پڑھوں گا۔ لیکن یہ کلام تمہارے آستانے سے اسلام کو حیا کتنی عظیم حضرت شمشیر کی گزار میدان کربلا میں شہر خوش خوشحال آئے سجدے میں سر سکا کے محمد ہلال آئے
से जीवो गुलाबा के सीने हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ हम कर उनके रोजे की जाने कर दो छोली हमारे सुल्तान शाह साहब ने क्योंकि मैंने कलाम में हकीम नसीर भी पेश किया कलाम में शेखुल इस्लाम भी पेश किया तो हमारे सूफी आजाद बैठे हैं और ये काफी पसंद करते हैं पीर मेहदी शाह साहब के कलाम के और यकीन कीजिए कलाम जब भी महफिल में पढ़ा एक अलग अलग माहौल बना वजह क्या है पीर मेहदी शाह साहब के चेहरे मुस्तफा को देख कर ये कलाम और वो कलाम भी ऐसा नहीं लिखा मदीने शरीफ के सफर पर निकले थे सफर पर रास्ते में आग लग गई तो किस्मत का सितारा जादू था और जो दीदार मुस्तफा हुआ तो उन्होंने हकीकतन जो देखा वो लिखा फरमाते हैं मिलके पढ़िएगा जैसे से भी दिल ना दी बदली
अच्छा माशाल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। फरमाइश आप लोग ने की है तो पढ़ना भी पढ़ना भी पढ़ना। फज़ गुरु यस गुरु तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा मेरे रब का वादा तो मिलके पढ़ें के पढ़ें। जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जिसने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमद के सबको सुनाए गए हर तरफ शोर।